हेलो स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमारा आज ये थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ हमने किया था, साथ के साथ हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसकी क्या लिमिटेशंस है, ये सब कर चुके हैं। किसी स्टूडेंट ने अगर ये वीडियोज नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पे आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम। एटम क्या होता है और साइज ऑफ एटम की हम यहां पर बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की। तो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है, that cannot be divided further and retain all the characteristic properties of an element। Atoms are the building blocks of matter। तो एटम क्या है? एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी एलिमेंट का, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। हाँ, एटम जो है फर्दर कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसकी बात हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करेंगे। तो ये क्या है? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रखता है किसकी? जिस एलिमेंट का एटम है ये, यानी इसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एलिमेंट के पास होती हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो एटम्स हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। यानी मैटर किन से मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एटम जो है किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में एटम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, इट मींस एटम मेंटेन इट्स आइडेंटिटी इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हम एटम की बात कर रहे हैं, केमिकल चेंज। एटम जो है एटम की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। तो एटम अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है थ्रू आउट एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। अब अगर हम बात करते हैं कि हाउ स्मॉल द एटम्स आर या हाउ बिग दे आर, तो वो कितने बड़े हैं, एटम्स कितने बड़े हैं साइज में, तो इसको समझने के लिए छोटा सा टॉपिक लेके चल रही हूं मैं आपके सामने, क्योंकि हमें सिंबल्स ऑफ एटम करने, एलिमेंट्स करने हैं अभी इसके बाद। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, बेसिकली सब टॉपिक की कितने बड़े हैं, साइज क्या है एटम का, हाउ बिग एटम्स आर। यानी एटम के अगर साइज की हम बात करें तो उनका साइज कितना है? एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम्स जो है, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। कितने स्मॉल है? हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्मॉल है, यानी जो हमें नजर भी आता है, दैट इज एग्रीगेट ऑफ दीज एटम्स। तो ये क्या है? बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूं तो एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे 1 सेंटीमीटर का कोई स्पेस है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा होता है, 1 सेंटीमीटर स्पेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 10^8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन दे आर प्लेस्ड लाइन टू लाइन।
अब आप देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर का जो स्पेस है वो कितना छोटा होता है, और उतने छोटे स्पेस में 10^8 एटम्स जो है हाइड्रोजन के, अगर आप लगातार उनको प्लेस करते जा रहे हो तो इतने एटम्स हाइड्रोजन के जो है वो प्लेस किए जा सकते हैं, यानी एटम का साइज कितना स्मॉल है। एटम जो है इनकी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, यानी नॉर्मली जो एटम है दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। और वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं? वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एंड द साइज ऑफ एटम इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस की टर्म में, एटॉमिक रेडियाई की टर्म में, क्योंकि हम एटम को स्फेरिकल लेके चलते हैं, तो एटॉमिक रेडियस की टर्म में हम इसके साइज को स्टडी करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, एटॉमिक रेडियस वैसे क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जो है ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आ गई। एटॉमिक रेडियस जो है वो 10th का टॉपिक है, इसको डिटेल में हम लोग 10th में करते हैं। तो यानी ये क्या है, अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है और मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास डी डिस्टेंस आया, तो एटॉमिक रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, d/2, यानी एवरेज डिस्टेंस जो है वो आपका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल लेती हूं, तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम जो है, जो आपका हाइड्रोजन एटम है, इज स्मॉलेस्ट इन साइज, और अगर इसकी साइज की बात करें, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 52 point something, यानी मैं 53 picometer यहां मेंशन कर देती हूं, 53 picometers जो एटम है हाइड्रोजन का वो स्मॉलेस्ट साइज का है अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, और इसका साइज कितना है, 53 picometer है। अब 53 picometer क्या है, पीकोमीटर क्या होता है, पीकोमीटर 10^-12 meter होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो आपका हाइड्रोजन का एटम है, 10^-12 का मतलब इसके आगे उतनी ही जीरो लगेंगी, फिर जाके आपका डेसिमल लगेगा, उतना मीटर के इक्वल है, यानी दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। कितने स्मॉल साइज के हैं, दैट दे कैन नॉट बी, एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, अभी हम बता चुके हैं ये बात, ठीक है, दे कैन नॉट बी, कितने छोटे हैं, दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई से तो भूल ही जाओ उन्हें देखना, एंड इवन विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हैं उनके थ्रू भी एटम को देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं जिनके थ्रू हम एटम को देख सकते हैं, जिनमें एक इंस्ट्रूमेंट जो है, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज किया गया था 1981 में, एसटीएम नाम से फेमस है, ये एसटीएम वर्ड आपको पढ़ने में आता है, तो ये क्या, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये हमें
एसटीएम की पहले फुल फॉर्म क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मैग्निफाइड इमेज देता है किसी भी एलिमेंट के सरफेस की। तो क्या है एसटीएम? इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप विथ द हेल्प ऑफ दिस हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम एटम्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट गिव्स अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और एलिमेंट के सरफेस पे एंड देयरफॉर एटम्स, यानी एलिमेंट के सरफेस पे जो एटम्स जो हैं वो हमें दिखाई दे जाते हैं। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू हम एटम्स को देख सकते हैं। ये एक मैग्निफाइड इमेज प्रोवाइड करता है एलिमेंट के सरफेस पे जहां पर एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एटम्स अगर इतने स्मॉल साइज के हैं, एटम इतने स्मॉल साइज के हैं कि हमने देख नहीं सकते, तो फिर हम उनकी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सारा यूनिवर्स है, अगर इसका आंसर हम ढूंढे तो ये जो सारा यूनिवर्स है ये किससे मिलकर बना है? ये एटम से मिलकर बना है। चाहे आपका कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, किसी की भी हम बात करें तो उसमें क्या है, एटम से मिलकर बना है। एनी स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है। तो इसलिए हमें इसकी केयर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो हमारी डेली लाइफ में चेंजेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि एटम एक्चुअल में क्या है, कैसे एग्जिस्टेंस होती है उसकी, एटम के साइज को किस तरीके से एटॉमिक रेडियस की टर्म में देखा जाता है, और उसमें हम कौन सा यूनिट लेके चलते हैं, पिकोमीटर एंड आर्मस्ट्रांग जो है हम यूनिट्स लेके चलते हैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है 10^-10 मीटर, और जो हमारे पास पिकोमीटर है वो आपको मैंने बता दिया 10^-12 मीटर। ठीक है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में बता दिया, जो कि 1981 में इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो हमें हेल्प करता है एटम्स को देखने में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की। पहले हिस्ट्री की बात करेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने किस तरीके के सिंबल्स दिए थे, और बाद में हम बात करेंगे मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।